हाउ आई वायरल माई फर्स्ट शॉर्ट वीडियो, मैंने अपनी पहली शॉर्ट वीडियो कैसे वायरल करा था, आखिर उसके पीछे क्या राज है और कैसे तुम भी अपना शॉर्ट वीडियो वायरल कर सकते हो, सबका जवाब तुम्हें इस वीडियो के अंत होते होते मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले तुम मेरे इस शॉर्ट वीडियो को देखो। हाँ, यही वो शॉर्ट है जिस पर मुझे 52 मिलियन व्यूज मिले हैं और यही वो मेरा पहला शॉर्ट भी है जो वायरल हुआ था और इससे ज्यादा व्यूज अभी तक मेरे किसी शॉर्ट पर नहीं आए। चलो एक एग्जांपल तो देख लिया, अब दूसरा देखो। ये है मेरा सेकंड चैनल और इस पर मेरा पहला शॉर्ट ए वायरल हुआ था जिस पर 13 मिलियन व्यूज है। अब बात को ध्यान से समझो, मेरा ये वीडियो आज से 1.5 साल पहले वायरल हुआ था और मेरा ये वीडियो आज से 7-8 महीने पहले वायरल हुआ। लेकिन मैं तुम्हें एक टाइमिंग क्यों बता रहा हूँ, यही सोच रहे हो ना, तो मेरे दोस्त सारा खेल टाइम का ही तो है। तो अगर तुम इस चीज को समझ गए तो तुम भी अपना पहला शॉर्ट यूं वायरल कर लोगे। तो देखो, यूट्यूब पर दो टाइप्स के कंटेंट होते हैं, एक एवरग्रीन और दूसरा टेम्पररी। तो एवरग्रीन कंटेंट उसे कहते हैं जो यूट्यूब पर सालों साल चलेगा, मौसम कोई भी हो, साल कोई भी हो, हर वक्त। जैसे कुकिंग, टेक, एजुकेशन, हिस्ट्री, केस स्टडीज, ये सारी वीडियोज यूट्यूब पर हमेशा सर्च करी जाएंगी, हमेशा लोग इसे देखेंगे, क्योंकि ऐसी वीडियोस देखना लोगों की एक तरह से जरूरत है। और दूसरा कंटेंट है टेम्पररी कंटेंट, जो टिकटॉक पर फेमस गाने की तरह है, कुछ देर के लिए ट्रेंड में आता है और निकल जाता है। यूट्यूब पर भी ठीक ऐसा ही होता है। जब मैंने यूट्यूब पर वीडियो डालना शुरू किया था तो ह्यूमैनिटी टाइप वीडियोज, आर्मी रिलेटेड वीडियोज, फैक्ट वीडियोज, हिस्ट्री रिलेटेड वीडियोज शॉर्ट में खूब वायरल होती थी। इससे क्या हुआ, मैं ट्रेंड के साथ गया और मेरी भी वीडियो वायरल। लेकिन आज की डेट में यही वीडियो वायरल नहीं होंगी, ऐसा नहीं बोल रहा कि चांसेस बिल्कुल जीरो है, लेकिन बहुत कम है। ओवरऑल मैं तुम्हें कहना ये चाहता हूँ कि या तो तुम एवरग्रीन वीडियोज बनाओ, नहीं तो तुम ट्रेंड को पहचानो कि अभी यूट्यूब पर चल क्या रहा है। जैसे कुछ एग्जांपल्स देखे तो मिस्टर मिको जैसी वीडियोज, मिनी ब्लॉग और ASMR, ये सारी वीडियोज अभी यूट्यूब इंडिया में काफी ट्रेंड में है और लोग इन पर दबा के व्यू छाप रहे हैं। तो तुम भी पहले ट्रेंड पहचानो और उसके अकॉर्डिंग वीडियो बनाना स्टार्ट करो। यूट्यूब का एक कड़वा सच ये है कि लोग यहाँ आते अपनी मर्जी से हैं, लेकिन टिकते वही हैं जो वीडियो बनाते अपनी ऑडियंस के मर्जी से हैं। समझदार को इशारा ही काफी है। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने अपने टॉपिक्स कमेंट में डाल दो। बाय।